हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बाल्सम्स इन फुल ब्लूम ऐड टू विजुअल ट्रीट इन मुन्नार। देखते हैं क्या है। ये पहले देख ले, बाल्सम बाल्सम जीनस इम्पेंट फ्लावर टू गैप रोड स्ट्रेच नियर मुन्नार इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो भाई ये केरला मुन्नार की बात हो रही है, ठीक है। प्रेजेंटिंग अ विजुअल फीस्ट टू टूरिस्ट ब्लॉसम्स, इसका नाम है आपका, ये साइंटिफिक नेम हो गया, जीनस इम्पेटियन, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन के लिए ऑलरेडी सॉरी, बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ सॉरी। देखते हैं आगे क्या है। ऑल आर इन फुल ब्लूम इन मुन्नार। फुल ब्लूम मतलब खिल रहे हैं, देखिए खिल चुके हैं। कॉल्ड काशी थुम्बा एंड ओनापुआ लोकली, तो ये लोकली इनका नाम है, काशी थुम्बा एंड ओनापुआ। इट्स स्मॉल पिंक फ्लावर्स आर अ मेजर अट्रैक्शन अलॉन्ग दी देवी कुलम स्ट्रेच ऑफ द कोची। आप देखिए, ये नेशनल हाईवे पे इसका देवी कुलम स्ट्रेच के पास ये मेजर अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। बाल्सम्स आर नोन एज टच मी नॉट बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ मेच्योर सीड्स एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन। बोटनिस्ट सेज द लार्ज स्केल फ्लावरिंग ऑफ बाल्सम्स इंडिकेट द माइक्रो क्लाइमेट। देखिए, अब यहाँ पे ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये हमें क्या बताते हैं क्लाइमेट के बारे में। माइक्रो क्लाइमेट इज स्टिल एक्टिव इन मुन्नार हिल स्टेशन, ठीक है। और ये टच मी नॉट इन्हीं को बोला जाता है, बिकॉज ऑफ बस्टिंग ऑफ मेच्योर सीड्स, ठीक है, एंड सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ द 2020 ब्लॉसम स्पीसीज इन इंडिया, 135 आर फाउंड इन सदर्न वेस्टर्न घाट्स। तो अगर आप देखिए, ये आपका इंडिया का नीचे है, सदर्न वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे पाए जाते हैं 135 आउट ऑफ 220, ठीक है। जोमी ऑगस्टीन फॉर्मर बोटनी प्रोफेसर एट सेंट थॉमस कॉलेज पाला सेज इडुकी इज नोन फॉर डाइवर्सिटी ऑफ बाल्सम्स विद साइंटिस्ट टर्मिनेटिंग दी डिस्ट्रिक्ट एज बाल्सम पैराडाइज। तो इडुकी जो है उसको बाल्सम पैराडाइज भी बोला जाता है, ठीक है। अनामुड़ी, ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन इन दी वेस्टर्न घाट्स। अब मुझको आप बताइए कौन से स्टेट में है अनामुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी, अनामुड़ी। देखते हैं आगे, एंड दी सराउंडिंग हाई रेंजेस आर नोन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड बाल्सम्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड बाल्सम्स भी है, क्योंकि इतने सारे स्पीसीज है, आप देखिए 2020 है। डॉक्टर अगस्तीन ने ये बताया, न्यू स्पीसीज ऑफ बाल्सम्स आर बींग डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। देर आर बाल्सम्स एंडेमिक टू दी हाई रेंजेस। देर आर मोर देन 30 स्पीसीज ऑफ बाल्सम्स इन द पेरियार टाइगर रिजर्व इट सेल्फ, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ह्यूमिड हैबिटेट, द नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ बाल्सम इज फ्रॉम जून टू दिसंबर, ठीक है, जून टू दिसंबर है, क्योंकि इनको ह्यूमिड हैबिटेट चाहिए। द प्लांट मेनली ग्रोज इन साइड पॉकेट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, देखिए पॉकेट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज विद द लॉस ऑफ स्पेसिफिक हैबिटेट मैनी स्पीसीज हैव बिकम रेयर, क्योंकि इनका स्पेसिफिक हैबिटेट लॉस हो चुका है, थ्रेटन और इवन एक्सटेंट। तो ये रेयर हो चुका है, ख़त्म भी हो चुका है कई सारे, क्योंकि हम यहाँ पे इनका ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि इनका जो स्पेसिफिक हैबिटेट था उसका लॉस हो चुका है। और ये और थैंक्स टू ह्यूमन बींग्स, थैंक्स टू अस। और क्या है, दिस फ्लैशी ओरोफेटिक हर्ब्स यूजली प्रेफर ह्यूमिड हैबिटेट एंड कम्प्लीट्स द लाइफ साइकिल इन द रेनी सीजन, ऐसा उन्होंने बताया है। बाल्सम्स आर अ मेजर मेजर इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, इसलिए बाल्सम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफ क्लाइमेट चेंज अकर इन एनी एरिया इट विल रिफ्लेक्ट द प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। अ फॉरेस्ट ऑफिशियल सेज 46 बाल्सम स्पीसीज आर फाउंड इन मुन्नार लैंडस्केप स्प्रेड फ्रॉम मुन्नार टू चिन्नार ऑफ बाइसन वैली। मुन्नार वाइल्ड लाइफ वार्डन एस वी विनोद सेज मुन्नार इज द मेजर हैबिटेट ऑफ बाल्सम्स एंड देर आर ओवर 40 वाइल्ड स्पीसीज इन द एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ बाल्सम्स इन फॉरेस्ट एरियाज। वर्किंग प्लान ऑफिसर सेज 46 स्पीसीज ऑफ द बाल्सम्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन द एल्टीट्यूड ऑफ मुन्नार, नो अदर स्पीसीज इन द वर्ल्ड हैज सच डाइवर्सिटी। चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या क्या, ऐसा आर्टिकल दिखने में बहुत छोटा है और बहुत जेनरिक है, पर ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर पे, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, खास तौर के हमारे इन्वायरमेंट टॉपिक के लिए, ठीक
ठीक है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बालसम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको कैसा कंडीशन चाहिए? इनको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। ठीक है, आप इनका नाम देख लिए, जीनस इम्पेरियंट होता है। का इनका लोकल नेम क्या है? कासीथुम्बा और उन्नापुवु। ठीक है, और आप देखिए इनका मेजर अट्रैक्शन कहाँ पर है? देवीकुलम स्ट्रेच में। ठीक है, और आप देखिए इनको टच मी नॉट है ये। ठीक है, क्यों? इनके बस्टिंग नेचर ऑफ सीड्स के वजह से। इनका जो माइक्रो क्लाइमेट है वो मुन्नार हिल स्टेशन पे मिलता है। 220 स्पीसीज है, 135 कहाँ मिलते हैं? सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ही मिल जाते हैं। ठीक है, आप देखिए इदुक्की डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तमिंग बालसम पैराडाइज इदुक्की डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। जस्ट अ सेकंड, बालसम पैराडाइज बोला जाता है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट को, तो बालसम पैराडाइज। ठीक है, अनाई मुड़ी यहाँ का जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है वहाँ पर। ठीक है, और आप देखिए अब हाईएस्ट पीक है तो आप समझिए बालसम को हाई अल्टीट्यूड पसंद है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड बालसम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके 30 स्पीसीज बालसम के पेरियार टाइगर रिजर्व में। अब पेरियार टाइगर रिजर्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बालसम फ्रॉम जून टू दिसंबर ये होता है। इनके स्पेसिफिक हैबिटेट का लॉस हो चुका है जिस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, रेयर है, थ्रेटन है। ठीक है, और इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल रेनी सीजन में होता है। ये इंडिकेटर टू क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, और ये इस प्लांट के पॉपुलेशन पे क्लाइमेट चेंज साफ साफ हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ठीक है, एक एराविकुलम नेशनल पार्क आप देखिए। ठीक है, और तो इस आर्टिकल में हमारे लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस एक बालसम्स। ठीक है, और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट बालसम पैराडाइज है। ठीक है, और पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, और एराविकुलम नेशनल पार्क ये पूछ देगा। आप देखिए ये जरूरी नहीं है बालसन से डायरेक्ट पूछे, ये पूछ देगा कहाँ पे 40 वाइल्ड स्पीशीज मिलती है आपके। अरे एराविकुलम नेशनल पार्क में 40 वाइल्ड स्पीशीज मिलती है एक रेयर प्लांट की, जिनका आप लॉस ऑफ स्पेसिफिक हैबिटेट के वजह से जो एक्सटेंट हो रहे हैं, रेयर है, थ्रेटन है, तो वो कहाँ पर है? वो वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, अनाई मुड़ी हाईएस्ट पीक है उनका, और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट बालसम पैराडाइज बोला जाता है। तो आपको बोलता बताना होगा ये एराविकुलम है, ये बालसम है, तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो थैंक यू गाइज एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।